हेलो प्यारे बच्चों, बीएससी थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषियस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है ग्रुप थियरी, रिंग थियरी एंड लीनियर अलजेब्रा, उसका जो यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप के बारे में पढ़ रहे थे, उसी का ही हम फोर्थ लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और जो अपने पिछले लेक्चर को हम जहाँ पर छोड़े थे वहीं से ही इस लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी कि हम अपने पिछले लेक्चर में जो बात कर रहे थे कि ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप क्या होता है, उसी को ही अब यहाँ पर हम प्रूव भी करने वाले हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में यह समझ लिया था कि ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप कब बनता है, कौन सा कंपोजिशन होता है, वह कैसे डिफाइन होता है, और साथ ही साथ हमने यह भी समझा था कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। और इस लेक्चर में हम समझेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देख लीजिए, आप सभी को आई बटन पर भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक भी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो यह लेक्चर आपको किसी भी तरीके से समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि बस वो पिछले लेक्चर में जो पॉइंट्स बच गए थे उन्हीं को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो ग्रुप है, यानी कि ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप जो हमारे पास है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं कि उसमें हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस जरूरी है, क्योंकि ये हमारे पास तीसरा कंडीशन है या फिर मैं कहूँ तीसरा प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो देखो बच्चों, यह बात हम ऑलरेडी आप सभी को पिछले लेक्चर में समझा चुके हैं कि हमारे पास यफ जो है वह एक ऑटोमॉर्फिज्म है। ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, जब वह वन वन फंक्शन हो जाए, ऑन टू फंक्शन हो जाए और होमोमॉर्फिज्म हो जाए, ये तीन कंडीशन अगर कोई भी हमारे पास मैपिंग सेटिस्फाई करता है, साथ ही साथ यह भी एक कंडीशन होता है कि जो हमारे पास डोमेन और कोडोमेन है वो दोनों के दोनों एक ही ग्रुप होने चाहिए, यानी कि जी होने चाहिए, तब हम कहते हैं उस मैपिंग को ही क्या कहते थे, ऑटोमॉर्फिज्म कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ों पर और भी बात करेंगे। सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, कंसीडर ए मैपिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब आइडेंटिटी एलिमेंट पर अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी का, वह भी क्या होगा, एक ऑटोमॉर्फिज्म ही होगा। अब वह एक ऑटोमॉर्फिज्म है तो वह क्या क्या सेटिस्फाई करेगा, मैंने ऑलरेडी समझा दिया, वन वन ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि कंसीडर ए मैपिंग आई, हम एक मैपिंग आई को सपोज कर रहे हैं जो कि जी से जी पर ही जा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर लिखा जा सकता है, या फिर चलो इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, डिफाइंड बाई, ठीक है, डिफाइंड बाई आइडेंटिटी मैपिंग। क्या होता है आइडेंटिटी मैपिंग, उस मैपिंग को हम कहते हैं जब हम किसी भी एलिमेंट पर मैपिंग को लगाएं और वह उसी एलिमेंट को ही हमारे पास कोडोमेन में उसी एलिमेंट को देता है, तो इस सिचुएशन में हम इस मैपिंग को क्या कहते थे, आइडेंटिटी मैपिंग कहते थे। ये बात आप सभी को इंटरमीडिएट में पढ़ाया गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक और लाइन में लिखने वाला हूं, ये बात आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिए। सिंस यहां पर हमारे पास जो आई है वह क्या है, इज बाइजेक्टिव। क्या है, बाइजेक्टिव मैपिंग है। कैसे पता, ये आप लोग इंटरमीडिएट में ही पढ़े होंगे कि हमारे पास जो आइडेंटिटी मैपिंग होते हैं वो बाइजेक्टिव होते हैं। बाइजेक्टिव कहने का मतलब यह हुआ कि ये वन वन एंड ये हमारे पास क्या होता है, वन वन और यहां पर मैं लिख देता हूं ऑन टू। ठीक है, यानी कि वन वन ऑन टू मैपिंग को सेटिस्फाई करता है।
ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल अध्ययन करेंगे, इसका थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे, तो आपको यह भी देखने को मिलेगा एंड यह भी देखने को मिलेगा कि आई जो है आई इज होमोमॉर्फिज्म। और अदरवाइज आप लोग थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत इस पॉइंट को पढ़े होंगे कि हमारे पास जो आइडेंटिटी मैपिंग होता है वो हमेशा होमोमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा जा सकता है एंड आई इज ऑलवेज होमोमॉर्फिज्म। हमेशा कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है, आइडेंटिटी मैपिंग होता है, वह होमोमॉर्फिज्म के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो जब ये तीनों कंडीशन अगर कोई भी मैपिंग सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स देन इट मीन्स यह कहा जा सकता है, इट मीन्स दैट क्या कहा जा सकता है कि हमारे पास आई जो मैपिंग है, जिसे हम कह रहे हैं कि यह आइडेंटिटी मैपिंग हो सकता है हमारे ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप के सेट के, ठीक है। तो इस सिचुएशन में यह हमारे पास इस सेट का क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यह सभी का, यह देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हमारे पास आई क्या है, वन वन ऑन्टो और होमोमॉर्फिज्म है, यानी कि यह क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है, तो ऑटोमॉर्फिज्म है तो ऑटोमॉर्फिज्म के सेट से बिलोंग करना चाहिए। ओके, तो अब यहां पर कहा जा सकता है लेट सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एफ जो है, एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है, या फिर ऐसे लिखा जा सकता है फॉर ऑल एफ, ठीक है, क्योंकि यहां पर हम आइडेंटिटी एलिमेंट के प्रॉपर्टी पर बात कर रहे हैं, तो लेट लेट भी हटा दीजिए, यहां पर लिखिए डायरेक्ट फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू दिस सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी, देन देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट या फिर एन एलिमेंट, ठीक है, एन एलिमेंट आई सच बिलोंग्स टू ए यू टी ऑफ जी सच दैट, कुछ इस प्रकार से होगा, सच दैट कुछ इस प्रकार से बिलोंग करना चाहिए कि अगर हम एफ को अपने कंपोजिशन की सहायता से आई पर ऑपरेट कराते हैं, ठीक है, तो यह क्या देना चाहिए, या हमारे उसी एलिमेंट को देना चाहिए, या फिर हम इस आई को उस एफ पर ऑपरेट कराते हैं अपने कंपोजिशन के द्वारा, तो भी हमारे पास एफ ही मिलना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी मैपिंग का यही तो कंडीशन था कि अगर ए हमारे किसी ग्रुप जी से बिलोंग कर रहा है तो वहाँ पर एक ई एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिन्हें हम एक दूसरे पर ऑपरेट करा रहे हैं, चाहे कुछ इस प्रकार से ऑपरेट कराएं तो हमारा वही एलिमेंट मिलना चाहिए, तो वही कंडीशन हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे हम प्रूव करते हैं कि करके सभी चीज़ों को, और ध्यान देते हुए चलिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, ठीक है। काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, अगर इन्हें आप लोग समझ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमें प्रूव करना है, ठीक है, तो चलिए प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड की सहायता से प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड की सहायता से प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हम अपने एलिमेंट को भी लेते हुए चलेंगे क्योंकि एक्सप्रेस करने का वही तरीका है, और हमारे पास जो कंपोजिशन डिफाइन था, उम्मीद करता हूँ आप सभी को याद ही होगा क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में उसे डिस्कस भी किया था। तो हमारा कंपोजिशन यह कहता है कि अगर इस प्रकार है तो ये कुछ इस प्रकार हो जाता है, ठीक है, कंपोजिशन कुछ ऐसे ही तो डिफाइन था। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आई ऑफ एक्स जो है वह एक्स के बराबर है, मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यह एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है, हमारे पास एफ ही तो मिला है और यही तो हमें प्रूव करना था। नाउ अब इसके हम अपोजिट साइड पर ऑपरेट करा देते हैं, यानी कि आई ऑफ एफ निकाल लेते हैं, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, यहां पर हमारे पास हो जाएगा आई और यहां पर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा है कि अगर x है तो उस पर i ऑपरेट कराएंगे तो x मिलेगा, तो f ऑफ x होगा, तो i ऑपरेट कराएंगे तो f ऑफ x मिलने लग जाएगा। तो दोनों ही साइड से हमने क्या देख लिया, दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम f को i पर ऑपरेट कराते हैं, f को i पर ऑपरेट कराते हैं, या फिर i को f पर ऑपरेट कराते हैं, दोनों सिचुएशन में हमारे पास f ही मिलता है जो हमने एलिमेंट लिया था। और इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, हम यह कह सकते हैं
दिस इम्प्लाइज दैट, हेंस यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेंस इसका मतलब ये हुआ कि आई जो हमारे पास है, आई इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी का, ठीक है। तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि यह आइडेंटिटी एलिमेंट भी रखता है। तो आप लोग इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अब हम बात करते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट क्या होता है। तो चलिए अब अपने लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी सहायता से हम प्रूव करेंगे कि हमारे पास जो सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी जो होता है वह किसी भी कंपोजिशन के अंतर्गत क्या करता है, ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, ठीक है, आई थिंक पिछले वाले में मैंने गलत स्पेलिंग लिख दिया था, आप लोग सही कर लीजिएगा, कई बार क्या होता है लिखते लिखते वीडियोज में गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, इनवर्स एलिमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिए। अब इनवर्स एलिमेंट मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो ग्रुप है, जो हमारे पास सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी है, उसमें हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, और जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वह पूरे ग्रुप का एक यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ठीक है, यानी कि वो एलिमेंट के रिस्पेक्ट में बदलता नहीं है, जबकि जो हमारे पास इनवर्स एलिमेंट होता है या एलिमेंट के रिस्पेक्ट में भी बदलता है। लेट अस सपोज, ठीक है, लेट हम सपोज कर ले रहे हैं कि यफ जो है वह ए यू टी ऑफ जी से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो जब यह इससे बिलोंग कर रहा है, देन इसका मतलब यह हुआ कि यह एक प्रॉपर्टी है कि यह भी क्या करेगा, इससे बिलोंग ही करेगा, यानी कि इस फंक्शन एफ का, या फिर मैं कहूँ इस ऑटोमॉर्फिज्म यफ का जो इनवर्स ऑटोमॉर्फिज्म होगा वह भी इससे बिलोंग करेगा, ठीक है। लेट, और यह भी सपोज कर लेते हैं कि एक्स जो है वह किसी ग्रुप जी का ही एलिमेंट है जिसके ये सभी के सभी ऑटोमॉर्फिज्म हैं, ठीक है, देन तब इस सिचुएशन में हमें क्या प्रूव करना है, हमें यह प्रूव करना है कि अगर हम एफ को एफ इनवर्स पर ऑपरेट कराते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, या फिर एफ इनवर्स को एफ पर ऑपरेट कराएंगे तो भी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, यह हमें प्रूव करना है, ठीक है, यही तो हमारे पास इनवर्स एलिमेंट का कंडीशन होता है। तो चलिए यहाँ पर हम प्रूव करते हैं इस बात को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हमारे पास यह भी हो चुका है, तो यहाँ पर हमारे पास एफ आ जाएगा, ये एफ आया और इसको हमने एफ इनवर्स पर ऑपरेट कराया, और उसके लिए हमारे पास एक एलिमेंट होना चाहिए, तभी तो हम अपने कंपोजिट कंपोजिशन के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, अगर देखा जाए तो एफ जो है वह इसका इनवर्स है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या एक्स, ठीक है। और अभी मैंने आप सभी को बताया था कि आई ऑफ एक्स जो होता है वह एक्स होता है, यानी कि x को हम क्या लिख सकते हैं, i ऑफ x लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या है, एक्सपेंशन है या फिर डिफाइंड हुआ है, ठीक है। एंड इसका हम अपोजिट वाला भी ले लेते हैं, यानी कि f इनवर्स को ले लेते हैं, f पर ऑपरेट कराते हैं x के साथ, तो यहाँ पर भी हम अपने कंपोजिट कंपोजिशन को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ x और ये दोनों हमारे पास कैंसल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या x, और ये हमारे पास हो जाएगा i ऑफ x। ओवरऑल क्या बात पता चल रही है, ओवरऑल यह बात पता चल रही है कि हमारे पास f जो है उसे अगर हम f इनवर्स पर ऑपरेट करा रहे हैं या फिर f इनवर्स को f पर ऑपरेट करा रहे हैं, दोनों साइड से हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दस हम यह लिख सकते हैं, दस हम यह लिख सकते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी हैज क्या रखता है, हैज एन इनवर्स एलिमेंट, ठीक है, इन
एज एन इनवर्स एलिमेंट, ठीक है, यानी कि हर एक एलिमेंट के पास हमारे पास इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। और ये बात हमने देख लिया कि चारों प्रॉपर्टी अगर कोई भी सेट किसी बाइनरी कंपोजिशन के अंतर्गत या कंपोजिट कंपोजिशन के अंतर्गत ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि वह ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। हेंस इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हेंस इसका मतलब ये हम लिख सकते हैं कि हेंस ए यू टी ऑफ जी जो होता है वह क्या करता है, फॉर्म्स ए ग्रुप, क्या करता है, यह एक ग्रुप का फॉर्मेशन करता है अंडर किसके अंडर में, अंडर कंपोजिट कंपोजिशन, ठीक है, यह कंपोजिट कंपोजिशन के अंतर्गत क्या करता है, एक ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। और यही बात तो हमें प्रूव करनी थी, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ क्या यह स्क्रीन में आ रहा है या नहीं। हाँ ठीक है, पूरी तरीके से यह स्क्रीन में आ रहा है, तो अब इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त भी करेंगे। जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम इसके आगे के पॉइंट्स पर बात करेंगे। ये हमने प्रूव कर लिया कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप क्या होता है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ हमने यहाँ पर प्रूव किया है कि ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है। हम अभी तक यह पढ़ रहे थे कि ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, फिर अब हमने प्रूव किया कि एक कंपोजिट कंपोजिशन के अंतर्गत जो सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी जो होता है वह भी एक ग्रुप का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए। ये बेसिक पोर्शन है फिफ्थ सेमेस्टर का, अगर इसे आप मिस कर देंगे तो पूरा ग्रुप थियरी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम इनर ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में समझेंगे कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसे भी हमें प्रूव करना रहेगा कि वह ग्रुप का भी फॉर्मेशन करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताएगा कि आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।